हेलो गाइस, दिस इज मी शाजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोस्टेक किन बोध। आज हम बात करने वाले हैं साउथ हिंदी तमिल मूवी के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि साउथ हिंदी तमिल मूवियां बहुत ही कमाल और आउट क्लास बन रही है, तो इसी तरह एक अच्छे अच्छे रिव्यू के साथ मैं आप लोगों के साथ पेश होता हूँ। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो या ऐसी एक मूवी का नाम लेके आया हूँ जो कि आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपका पैसा वसूल मूवी है। तो मूवी का नाम है ट्रेकर। तो गाइस, ये मूवी 23 सितंबर 2022 को रिलीज़ होने वाली है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आज इसको 23 सितंबर 2022 में देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। पहले सिनेमा में चलेगी, उसके बाद आप किसी भी सिनेमा से किसी भी वेबसाइट से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मूवी के अंदर जो कास्ट है वो आप लोगों को बता दूं, जो मेन हीरो हैं अथर्वा मुरली इस मूवी के अंदर मेन एक्टर हैं, मेन हीरो हैं जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग के साथ इस मूवी के अंदर नज़र आए हैं। और एक इसके अंदर जो एक्ट्रेस नज़र आने वाली है वो तानिया एस रविचंद्रन, जो कि जिसका नाम पूरा नाम है। तो गाइस, वो एक लविंग तरीके के हिसाब से यहाँ पे इस मूवी के अंदर नज़र आने वाली है। तो एक मूवी, ये मूवी एक फैमिली एक्शन और थ्रिलर के हिसाब से बनाई गई है, एक बहुत ही अच्छी मूवी है। तो मूवी का ट्रेलर मैंने प्ले किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मूवी का ट्रेलर मैंने स्टार्टिंग किया। मुझे एक किसी भी एंगल से ये नहीं लगा कि इस मूवी के अंदर ये फ्लॉपिंग का कोई सीन है या कुछ भी है। जैसे कि एक लाइगर मूवी आप लोगों ने देखी है, इस तरह से रिलेटेड मूवी एक जो फैमिली के ऊपर बनी हुई होती हैं। इस तरह एक मूवी आई थी स्टाइल 2016, तो सेम ऐसी ही मूवी ये एक बनाई गई है जिसके ऊपर एक फैमिली टॉर्चर के हिसाब से सारा कुछ दिखाया गया है। तो इसके अंदर एक कहानी है एक बाप और बेटे की, जो कि एक बेटा अपने बाप को हमेशा बचाता रहता है एक गुंडों से, एक गैंगस्टर से। तो ऐसे कुछ इस मूवी के अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो गाइस, एक तरीके से सारा कुछ टोटली देखने के बाद ट्रेलर को तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, बहुत ही एक लविंग केयरिंग, बहुत ही कमाल का ट्रेलर बनाया हुआ है। तो मूवी के अंदर कोई भी टाइम वेस्ट वाला सीन नहीं है, मूवी एक बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो कि गाइस, आज 23 सितंबर है तो मैं आज ही रिव्यू देने वाला हूँ इस मूवी का। तो ये मूवी आज ही 23 सितंबर में ही रिलीज़ होने वाली है। तो आप किसी भी सिनेमा पर बिना टाइम वेस्ट किए ही पहुँच जाओ, क्योंकि आज का जो शो है लास्ट टाइम 6 बजे के बाद शुरू होने वाला है। तो आप टिकट वगैरह बुकिंग कर लो। तो इसके बाद जो है मूवी का जो करेक्टर है, एक छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है और बड़े, यानी कि एक तरीके से एक गैंगस्टर टाइप या एक्शन है, सब कुछ इसको एक तरीके से जो है प्ले किया गया। और मूवी के अंदर जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो सैम एंटोन है, मानी के इसके राइटर और डायरेक्टर भी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी मूवी क्रिएट की है। तो गाइस, मैं कहता हूँ इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं बोलूं कि एक बेकार मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस मूवी को देखो और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।